हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिया क्लासेस आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर एम एमसीओ वन एम कॉम से लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंट फॉर टू सब्सक्राइब जिसका नाम है कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर सो नाउ रॉबर्ट टेनिबॉम एंड वॉर स्मिथ इन्होंने दे हैव डिपिक्टेड अ ब्रॉड रेंज ऑफ लीडरशिप स्टाइल ठीक है ऑन अ कॉन्टिन विच मूव फ्रॉम अथोरिटेरियन टू बॉस सेंटर्ड लीडर बिहेवियर एट वन एंड टू डेमोक्रेटिक और सबॉर्डिनेट सेंटर्ड बिहेवियर एट द अदर एंड तो यहाँ पे कुछ नहीं इन्होंने जो लीडर का बिहेवियर है अब हमने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल वगैरह पढ़ लिया ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने रॉबर्ट टेनिबॉम और जो है उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने सिंपल इनको एक जो है एक कॉन्टिनम में खड़ा कर दिया मतलब कि एक साइड में दोनों एक्सट्रीम्स को देखो ठीक है हमने अब इतना स्टाइल पढ़ा तो इन स्टाइलों में आपको क्या लगा कुछ लीडर होते हैं जो अपने पास पावर रखते हैं कुछ होते हैं उसका एकदम ऑपोजिट जो कि लोगों को पावर देते हैं ठीक है वो अपने पास कोई भी पावर नहीं रखते अपने सबोर्डिनेट या फिर अपने ग्रुप का जो लोग हैं उनको जो है उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे जो है ये दो दो स्टाइल जो है ऑपोजिट है ठीक है एक दूसरे के तो यहाँ पे भी यह कॉन्टिनम में सिंपल जो होता एक एंड से दूसरा एंड एक एंड पे एक एक्सट्रीम होगा दूसरे एंड पे दूसरा एक्सट्रीम होगा ठीक है सो so, अगर हम लीडरशिप बिहेवियर लीडरशिप वगैरह की स्टाइल की बात करें तो एक एंड पे क्या होगा एक एंड पे होगा डेमोक्रेटिक वाला स्टाइल है ना जहां पे लीडर जो है पूरा सबका पार्टिसिपेशन लेता है ये करता है वो करता है वहां वो होगा आपका वन एंड पे और दूसरा एंड पे उसका एक, एकदम ऑपोजिट जो की था हमारा अथॉरिटेरियन स्टाइल ठीक है सो यहाँ पे सिंपल एक्सट्रीम्स जो है किस तरीके से मूव करते हैं वो सब हमको यहाँ पे बताया गया है कि दोनों एंड में जो एंड्स होते हैं और किस तरीके से एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में मूव किया जाता है ये सारा जो है इन्होंने हमको बताया ठीक है रॉबर्ट टेनिब एंड वॉर स्पिथ ने इनको इन्होंने हमको दिया है दिस कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर ठीक है नाउ हम एक फिगर देख लेते हैं फिगर फोर जो कि आपके बुक्स में पेज नंबर फिफ्टी में दिया गया है डायग्राम क्या शो करता है ये डायग्राम सिंपली आपका जो मूवमेंट है ठीक है फ्रॉम वन एक्सट्रीम पॉइंट टू द अनदर वो ये शो करता है अब आप देखोगे कि एक एक्सट्रीम पे है डेमोक्रेटिक और दूसरे एक्सट्रीम पे क्या है अथॉरिटेरियन ठीक है ऑथोरिटेरियन तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक वाला तो भाई पावर सबको सबके साथ सबको लेके चलता है ठीक है यहाँ पे रिलेशनशिप ओरिएंटेड वो ज्यादा रहेगा क्यों रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा क्योंकि वो लोगों का डिसीजन मेकिंग लेता है उनसे सजेशन लेता है डिसीजन मेकिंग में तो दे ही विल बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड बट इसका ऑपोजिट होगा टास्क ओरिएंटेड अथॉरिटेरियन लीडर जो होता है वो बस काम करवाना है उसको ठीक है वो जो है दूसरों का डिसीजन मेकिंग में कोई सजेशन कुछ नहीं लेता भाई मैं जो बोलूंगा वही तो मैं करना पड़ेगा तो इसको जो है टास्क से ज्यादा मतलब है ठीक है नाउ दिस फिगर शोज दैट लीडर्स हु आर एट द अथॉरिटेरियन एंड ऑफ द कॉन्टिनम टेंड टू बी टास्क ओरिएंटेड एंड यूज देअर पावर टू इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स तो अथॉरिटेरियन वाले क्या करते हैं वो टास्क ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं और अपना जो पावर है वो इसी के लिए यूज करते हैं कि हमारा काम हो जाए एंड ही एंजॉयस हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड डेलीगेट एवरी लिटल अथॉरिटी हाई डेलीगेट हाई यहाँ पर डेलीगेशन तो कुछ होता ही नहीं है कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल सारा जो है इसी के पास रहता है इन दिस लीडरशिप स्टाइल अब इसी का उल्टा है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स आपको दिखाया गया एक स्केल है सिंपल आप ऐसे समझ लो कि एक स्केल है स्केल के एंड पे जो है दोनों एक्सट्रीम्स है एक साइड बहुत अच्छा एक साइड बहुत ही खराब वाला ठीक है इसके अलावा दिस ऑल्सो प्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर तो एक मैनेजर जो है किस तरीके से लीडरशिप जो है वो शो कर सकता है सिटुएशन के हिसाब से वो यहाँ पे भी दिखाया गया है ईच टाइप ऑफ एक्शन रिप्रेजेंट्स authority डिग्री ऑफ अथॉरिटी leader and अ लीडर एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम enjoys in इन रिलेशनशिप टू हिस्स सुपीरियर ठीक है सो यहाँ पे ये जो चीजें बताई गई हैं, ये ये बताई गई हैं कि ऐसा लीडरशिप स्टाइल अगर होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेटिक स्टाइल होगा तो क्या होगा अगर अथॉरिटेरियन होगा तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम डेमोक्रेटिक का ही देख लेते हैं सो so, डेमोक्रेटिक वाले में जो है हमारा लीडर ही विल परमिट द सबॉर्डिनेट्स टू फंक्शन विथ इन द लिमिट डिफाइंड बाय द सुपीरियर ठीक है सो यहाँ पे सिम्पल है सिंपल किस तरीके से क्या हो रहा है वो आपको बता रखा है लीडर जो है यहाँ पे परमिट करता है सब ऑर्डिनेट्स को कि भाई ये तुम्हारा लिमिट है ये तुम्हें काम करना है आप इसी इसमें काम करो ठीक है बट यहाँ पे अथॉरिटेरियन में क्या हो रहा है देखो लीडर मेक्स डिसीजन एंड अनाउंसेज इट लीडर जो है कोई सजेशन किसी का कुछ नहीं बोलेगा ये भी नहीं बोलेगा की तुम खुद से काम कर लो नहीं वो बताएगा कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है ऐसे ऐसे करना है पूरा प्रॉपर बता के देगा और उस हिसाब से वो बस सिंपली ही विल अनाउंस इट ठीक है अपना जो भी डिसीजन है वो उनको बस बताएगा तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में कैसे कैसे होते हैं वो यहाँ पे बता रखा है ठीक है यहाँ पे देखो आप सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी देख सकते हो एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर सबॉर्डिनेट और यहाँ पे यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर डेमोक्रेटिक के केस में क्या होगा एरिया ऑफ फ्रीडम जो है सबॉर्डिनेट्स के लिए काफी ज्यादा हाई रहेगा है ना इसलिए यहाँ पे ये यह काफी ज्यादा हाई है बट ये जो है आप देखोगे ये कम होता जा रहा है सबॉर्डिनेट का फ्रीडम जो है यहाँ आके इस एरिया में आके इस पोर्शन में आके ये कम हो गया मतलब यहाँ पे जो है इस पोर्शन में जो है सबॉर्डिनेट से कुछ पूछा भी नहीं जाता उनके डिसीजन मेकिंग उनका सरो सजेशन भी नहीं लिया जाता यहाँ पे और यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमारा अथॉरिटेरियन स्टाइल आ गया यहाँ पे आपका यूज ऑफ अथॉरिटी बाई लीडर लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे यूज ऑफ अथॉरिटी बाई लीडर ये वाले पूरे एरिया में ये वाले पूरे सेशन में बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा ठीक है इस पूरे एरिया में जो है हाई रहेगा और यहाँ पे यहाँ पे आके आपका जो है काफी ज्यादा लो रहेगा यानी कि यहाँ पे जो है मैनेजर का जो रोल है वो कम हो जाएगा वो जो है दूसरों को दे देगा क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक आ गया तो वो जो है डिसीजन मेकिंग सब सजेशन वगैरह का पावर अपने ग्रुप को वो दे देता है ठीक है सो so, अगर आप जो है इस कॉन्टिनम में इफ यू विल मूव फ्रॉम वन एंड टू दी अदर ठीक है तो क्या होगा वो है पूरे इस कॉन्टिनम में हो रहा है ठीक है कि एक एंड से दूसरे एंड तक आप जब मूव करोगे किस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे चेंजेस वो ये है कि जैसे पहले वाले में तो लीडर परमिट करता है सबॉर्डिनेट्स को तुम्हें जो करना है करो सेकेंड वाले में जो है लीडर जो है एक लिमिट बनाता है और बोलता है कि तुम मेरे को डिसीजन लेके बताओ फिर आप आगे जाते जाओगे आगे जाते जाओगे तो देखो ये जो एरिया फ्रीडम सबोर्डिनेट्स का है वो कम भी हो रहा है ठीक है ये लो भी हो रहा है और यहाँ पे जो है हमारा अथॉरिटेरियन वाला बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पे जो है लीडर जो है प्रेजेंट करेगा टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया है बट ये सब्जेक्ट टू चेंज है तुम बताओ अपना क्या करना है फिर देखो जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे तो लीडर प्रेजेंट्स आइडिया एंड इनवाइट्स क्वेश्चंस ठीक है तो लीडर जो आइडिया प्रेजेंट करेगा और क्वेश्चंस बस पूछने को कहेगा फिर उसके बाद देखो लीडर विल सेल द डिसीजन एंड फाइनली लीडर विल मेक द डिसीजन तो सिंपल कॉन्टिनम में कुछ नहीं है कुछ डिफिकल्ट नहीं आसान सी चीज है कॉन्टिनम में हमें बस ये देखना है कि कॉन्टिनम के एक एंड से जब हम दूसरे एंड पे जाते हैं तो किस तरीके से के चेंजेस जो है हमें देखने को मिलता है ठीक है तो यही इस कॉन्टिनम में बताया है इन दोनों लोगों ने जिनका नाम क्या था रॉबर्ट टेनिब और वॉरेंट ठीक है सो ये आपका पूरा फिगर है ठीक है ये पूरे फिगर में यही चीजें बताई गई हैं सो so, अब आपको समझ ये आ गया होगा कि दोनों एक्सट्रीम जो है जब हमने स्टाइल पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि दोनों चीजें अच्छी नहीं है हर चीज का हर स्टाइल का जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी है ना कोई भी स्टाइल जो है वो परफेक्ट नहीं है तो हमारा मैनेजर जो है या फिर हमारा जो लीडर है वो कौन से टाइम पे क्या किस चीज को अपनाए कौन से स्टाइल को अपनाए वो कैसे हमें पता लगेगा सो so, यहाँ पे जो है इस कॉन्टिनम में एट विच पॉइंट अलॉन्ग विद द कॉन्टिनम शुड अ मैनेजर दिस बिहेवियर वो पढ़ने के लिए जो है हमें कुछ चीजें बताने चाहिए ये सारी चीजें जो है कि वो किस स्टाइल का कॉन्टिनम में किस स्टाइल का स्टाइल वगैरह अडॉप्ट करेगा हमारा मैनेजर इट विल डिपेंड अपॉन अ फ्यू थिंग्स पहला जो है इट विल डिपेंड अपॉन द दोर्सिस इन द मैनेजर मतलब कि उसको कितना कॉन्फिडेंस है अपने सबॉर्डिनेट पर अगर मैनेजर को जो है अपने सबॉर्डिनेट पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो जो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करेगा मतलब उनको पता ही है कि मेरे अंडर जो लोग है वो एकदम गधे है एक नंबर के है काम दो तो इनसे होगा नहीं तो वो क्या करेगा उनके डिसीजंस भी नहीं लेगा वो चुपचाप जो है अपना डिसीजन मेकिंग करेगा और वो उनको बताएगा भाई तेरे को ये काम करना है सुनील तेरे को ये काम करना है अक्षय तेरे को ये काम करना है तो ऐसे नाम ले लेके उनको बोल देगा कि तुम्हें ये काम करना है वो सिंपल जो है वो काम बताएगा उनको ठीक है तो ये जो है डिपेंड करेगा कि फोर्सेस इन मैनेजर की आपका मैनेजर को मैनेजर को अपने पे कितना भरोसा है और वो जो है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कितना भरोसा है सेकेंड जो पॉइंट है वो आपका फोर्सेस इन सबऑर्डिनेट्स यानी कि अगेन वो आपके सबॉर्डिनेट्स क्या इतने फ्रीडम के लिए रेडी है क्या वो अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो क्या उस पर वो खड़े उतरेंगे ठीक है तो ये सब जो है वो सबॉर्डिनेट रिलेटेड जो बातें हैं वो भी इफेक्ट करेगा कि मैनेजर जो है उस कॉन्टिनम में किस टाइप ऑफ लीडरशिप लेगा क्या स्टाइल को पकड़ेगा एंड फाइनली वी हैव फोर्सेस इन द सिचुएशन ठीक है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ही कैसा किस तरीके का कम्युनिकेशन फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन किस लेवल का है ग्रुप इफेक्टिवनेस किस लेवल का है टाइम प्रेशर हमारा कभी कभी देखो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं हमें टाइमली करना होता है तो ऐसे केस में आप ज्यादा खेल नहीं सकते लोगों के साथ ऐसे केस में अथॉरिटेरियन ही बेस्ट रहता है ठीक है आप डिसीजन मेकिंग खुद करो और उनको बताओ उनसे काम जल्दी से जल्दी करवाओ तो वो अगेन फोर्स इन दिटुएशन पर डिपेंड करेगा अगर टाइम बाउंड एक्टिविटीज है तो उस केस में जो है अलग टाइप का लीडरशिप स्टाइल फॉलो होगा है ना सो so, यहाँ पे बस यही बताया गया है कि इस कॉन्टिनें में एक मैनेजर जो है वो का वो कौन सा स्टाइल पकड़ेगा किस किन किन बातों पे डिपेंड करता है ठीक है तो वो यहाँ इसके अलावा जो टेनिब और स्मिथ है दे हैव डेवलप्ड अनदर पैटर्न ऑफ चूजिंग लीडरशिप बिहेवियर इन्होंने एक और पैटर्न बताया है कि बंदे कैसे चूज कर सकते हैं कि मेयर को जो है एक सिचुएशन में कैसे एक्टिंग करना होगा कैसे बिहेव करना होगा दे फील दैट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सोशल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट द ओल्ड कॉन्टीन पैटर्न इज नो लॉन्गर वैलिड तो जो टेनिपम एंड इन्होंने बोला कि भाई जो है आजकल का जमाना जो है मॉडर्न हो गया है इसलिए जो है मॉडर्न जमाने में मॉडर्न प्रॉब्लम्स आती है और मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए मॉडर्न सोल्यूशन हमें चाहिए होता है तो ऐसे केसेस में जो है कि हम इन्होंने क्या किया ऐसे केसेस के लिए ऐसे चेंजेस के लिए क्योंकि सब कुछ चेंज होता जा रहा है उन्होंने एक नया कॉन्टिनम हमको दिया ठीक है सो ऑर्गेनाइजेशन डो नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम बट आर चेंजेस दैट इन द सोसाइटी पे इन्होंने जो 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 है है एनवायरमेंट एनवायरमेंट के फैक्टर्स सोशियो फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट है वो सारा जो बाहर का एनवायरमेंट है उन फैक्टर्स को भी इस कॉन्टिनम में कदर किया है ठीक है बट जो पिछला कॉन्टिनम था उसमें हमने देखा है कि उसमें ऐसा एनवायरमेंट फोर्सेज वगैरह को तो हम देख भी नहीं रहे की लीगल पोलिटिकल एनवायरमेंट में क्या चल रहा है उसको तो उसको तो भूल गए उसको तो, तो एकदम बिल्कुल भूल ही गए तो क्योंकि हम उसको वहां भूल गए थे हमने यहाँ पे एक नया कॉन्टिनम बना दिया अगेन इन्हीं लोगों ने बनाया है टेनिफॉर्मर स्मिथ ने थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो आप उसको ठीक है सो दस देर वुड बी मोर फैक्टर्स इन वेरिएबल्स सिटुएशनल तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हमने बहुत सारे बाहर की चीजें लिए तो यहाँ पे सिटुएशनल फैक्टर्स ज्यादा होंगे जो कि अफेक्ट करेगा हमारा लीडरशिप स्टाइल को जो हमारा मैन जो हमारे ग्रुप में चलने वाला है these forces lie outside the organization and they interact continuously with the organization environment so yahan pe ek organization um, yahan pe ruko ek minute so, यहाँ पे हमारा organization का भी environment है ठीक है Organization के environment को ये बाहर का environment क्या करेगा बाहर का environment इफेक्ट करेगा ठीक है और उसके कारण दस द न्यू कॉन्टिनम ऑफ लीडरशिप पैटर्न इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन क्योंकि हम यहाँ पे सिचुएशनल फैक्टर्स को देख रहे हैं इसलिए ये वाला जो कॉन्टिनम है वो ज्यादा जो है थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नाउ दिस फिगर ये जो फिगर आपके सामने है ये जो बुक ये आपके फिगर फिफ्टीन पॉइंट फाइव है कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर ये आपके पेज नंबर सिक्सटी में दिया हुआ है ठीक है नाउ दिस कॉन्टिनियम इट शोज दैट द टोटल एरिया ऑफ फ्रीडम शेयर बाई मैनेजर एंड नॉन मैनेजर इज कॉन्स्टेंटली रीडिफाइंड बाई इंट्रेक्शन बिटवी द मैन द फोर्सेज इन द एनवायरमेंट ठीक है सो so, यहां पर जो मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स है ठीक है जो टोटल एरिया ऑफ फ्रीडम है जो कि शेयर करते हैं मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स वो जो है <coughs> ये जो पूरा एरिया है ये सारा डिपेंड करेगा अपॉन द सिचुएशन ये सारा जो है सिचुएशन भी इनको अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे एक नया फैक्टर आ गया है सिचुएशनल फैक्टर द एरोस इंडिकेट द कंटिन्यूल फ्लो ऑफ इंटर डिपेंडेंस इन्फ्लुस अमॉंग द सिस्टम एंड द पीपल तो ये जो एरोज जो भी जितने भी आप एरोज देख रहे हो ये सारा एरो यही दिखाता है कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है ठीक है किस तरीके से हमारा एनवायरमेंट के फैक्टर्स है वो भी इफेक्ट कर रहे हैं हमारे काम को हमारे लीडरशिप स्टाइल को ठीक है सो so, पॉइंट्स ऑन द कॉन्टीनम डेसिग्नेट द टाइप ऑफ मैनेजर्स एंड मैनेजर बिहेवियर दट बिकम पॉसिबल विध एनी गि अमाउंट ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू देम सो ये जितने भी पॉइंट है सिटुएशन में कॉन्टीनम में ये हमें ये शो करता है कि कितने पॉसिबल बिहेवियर कितने पॉसिबल बिहेवियर हमारा मैनेजर जो है कर सकता है अपना सकता है ठीक है so, सो ये कॉन्टीनम जो है पिछला जो कॉन्टीनम है उससे ज्यादा क्या है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और उससे ज्यादा डायनेमिक भी और थोड़ा सा हम इसको रियलिस्टिक भी मान सकते हैं क्योंकि ये इस जो सिचुएशनल फैक्टर है उसको वो ले रहा है ठीक है देखो एक सक्सेसफुल लीडर वही है हु इज कीनली अवेयर ऑफ दोज फैक्टर फोर्सेस र मोर रेलिवेंट टू हिस् बिहेवियर देन एट एनी गिवन टाइम तो एक सक्सेसफुल लीडर अब ऐसा एक सक्सेसफुल लीडर लीडर आपको एक आपको एक टीम का लीडर बना दिया अब आप थोड़ी ये चार्ट लेके बैठे रहोगे कि ये कॉन्टिन ऑफ लीडर बिहेवियर जो भाई टानी बोमर शिथ ने दिया अब मैं देखूंगा कि मेरे सबॉर्डिनेट कैसे उस हिसाब से मैं कौन सा ये स्टाइल आप ऐसे नहीं करोगे ठीक है एक अच्छा एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो फुल्ली अवेयर अपने आप के बारे में ज्यादा अवेयर होता है उसको पता होता है कि वो अंडरस्टैंड करता है बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है और उसे समझ

क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है ठीक है तो एक अच्छा लीडर वो ही होता है अकॉर्डिंग टू टेनिब एंड स्मिथ ठीक है तो यहाँ पे हमने कॉन्टीनियम ऑफ लीडर बिहेवियर देखा पुराना कॉन्टीनियम भी देखा जहाँ पे जो सब कुछ नॉर्मल था नया कॉन्टेनम हमने देखा जहाँ पे जो एनवायरमेंट फोर्स है वो भी इफेक्ट करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है किस तरीके का लीडरशिप बिहेवियर होगा ठीक है लीडरशिप स्टाइल जो है वो किस तरीके का होगा सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिया क्लासेस Thank you and bye bye.